जो आज हम वर्कशीट नंबर 55 जो आपको 13 तारीख को मिली है उसे डिस्कस कर रहे हैं। ये वर्कशीट 10th क्लास के लिए है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पता करेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। मतलब जब हम दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो वो दिखाई कैसे देता है। अब हम कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण मतलब जब हम हथेली को गोल कर लें तो जैसे अंदर कटोरी से अगर हम हथेली से बना लेते हैं तो अंदर जहाँ हमारी रेखाएं हैं वो कहलाएगा अवतल दर्पण। तो देखो जरा अवतल दर्पण से कैसे अलग अलग तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। आप सबको क्लियर होगा, इसमें दिखाई हुई है एक अवतल दर्पण है हमारे पास। इस अवतल दर्पण से ये रहा अवतल दर्पण, यहाँ बीच में से बिल्कुल आ रही है आपकी कौन सी लाइन बेटा, ये आपकी लाइन आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, राइट। तो मुख्य अक्ष से ये आ गई आपकी लाइन, सबको दिखाई दी, ओके। अब जब प्रतिबिंब बनना है जहां पर वो कैसे पता लगेगा, कम से कम दो किरण आनी चाहिए और एक जगह पे कटनी चाहिए। मान लीजिए जो ऑब्जेक्ट है जो जिसका प्रतिबिंब बनना है वो बहुत दूर है, तो वहाँ दूर मान लो अनंत में है, वहाँ से एक रेखा आई और कहाँ पे टकराई बेटा, वो P पर टकराई। और हमें पता है जो P से टकराती है वो P से ही वापस चली जाती है और उतना ही एंगल बनाती है जितना उसने पहले बनाया। दूसरी रेखा आई, ठीक है, और वो कहाँ टकराई है बेटा, वो टकराई है इधर और उतने ही एंगल से C से अगर बीच में से काटते हैं उतने ही एंगल से वो वापस जा रही है, तो दो रेखाएं टकरा गई यहाँ पर बनेगी, इसका मतलब इमेज मतलब प्रतिबिंब। बात आ रही है समझ। अगर सी से दूर मतलब अनंत में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, कोई बिंब रखा है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, F पर बन रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा केस है जब प्रतिबिंब बनना है वो चीज़ आपकी बैठी हुई है C से परे। अब जो बिंब है वो बहुत दूर नहीं है, अनंत में नहीं है, अनंत हम सूरज को मानते हैं, इस पर अनंत भी नहीं है, जबकि वो कहाँ पर है बेटा, वो मान लो यहाँ रखा है, मतलब C से थोड़ी दूर रखा है, C से परे रखा हुआ है। अब एक रेखा उसकी ऊपर से आई और वो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समानांतर चली गई, ये है आपका मुख्य अक्ष, ये सबको पता है, ओके। जो भी रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो क्या करती है बेटा, टकरा के कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। और F बिंदु कहाँ पर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, F बिंदु यहाँ पर था, यहाँ था ना F, ठीक। दूसरी रेखा, अब दूसरी कहाँ, दूसरा हमें पता है अगर C से कोई रेखा जाती है तो C से ही वो वापस आ जाती है, तो यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई, तो हमें ये पता लगा कि यहाँ से गई थी और यहीं से वापस आ गई, ये यहाँ से गई टकराई और फिर ये यहाँ चली गई, तो हमने पाया ये जो बिंदु है जहाँ पर दोनों टकरा गए हैं वहाँ पर बनना है इसका प्रतिबिंब, तो यहाँ बन गया प्रतिबिंब। बिंब जो था वो सीधा था और बड़ा था, जबकि उसका प्रतिबिंब इतना छोटा सा बना है, ये जो ब्लू लाइन से दिख रहा है आपको, ये छोटा सा उसका प्रतिबिंब है, ठीक। यहाँ भी छोटा था, अब और छोटा हो गया। तीसरी पोजीशन देखते हैं, अब थोड़ा सा ये इसको उठाते हैं हम बिंब को और थोड़ा सा और आगे ले आते हैं, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था, अब इसको हम सी पर ही ले आते हैं, जैसे ही हमने सी पर ए बी को रखा तो वहाँ से भी
जैसे उसमें गई थी रेखाएं, वैसे ही रेखा लेंगे। एक रेखा सीधी चली गई बिल्कुल, तो वो क्या होगा, सीधी रेखा तो टकरा कर एफ से ही जाएगी। फिर दूसरी रेखा कहाँ से जाएगी, दूसरी हमें पता है कोई रेखा एफ से जाने वाली वो अपने आप ही सीधी हो जाती है। तो हमने क्या पाया, ये तो दोनों जहाँ पर मिल रही हैं, जहाँ टकरा रही हैं, वहाँ पर हो गया आपका प्रतिबिंब। ठीक है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कौन सा हो गया बेटा, ये हमारा प्रतिबिंब है, उल्टा है, ए डैश बी डैश से दिखा रहे हैं। यहाँ ए डैश बी डैश छोटा था, यहाँ भी छोटा था, और यहाँ थोड़ा बड़ा हुआ, ये इक्वल साइज का हो गया, जितना बिंब था उतना ही प्रतिबिंब बन गया। चौथी पोजीशन देखते हैं, अब क्या करें, हम सी से और आगे ले आते हैं। पहले सी पर देखा भी हमने, अब हम चौथी पोजीशन में सी से आगे लेके आते हैं। कहाँ लेके आए, हम सी और एफ के बीच में ले आते हैं। क्लियर है सबको, देखो चलो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं। सी और एफ के बीच में आने के बाद क्या होगा, जैसे ही सी और एफ के बीच में हमने यहाँ पर रख दिया, ये रहा, दिख रहा है ना सबको, ओके। अब क्या है, हमें पता है एक रेखा तो जानी है सीधी और वो टकरा के जानी चाहिए एफ से, चली गई। दूसरा यहाँ पर और क्या हो सकता है, सी से जाने वाली सी से ही वापस आएगी, जो सी से जा रही है। थोड़ा सा आप लोग स्केल से बनाओगे बेटा, बिल्कुल सही बनेगा। तो सी से जाने वाली सी से ही वापस आएगी, और जहाँ पर ये कट गई, अब देखो, अब हमने क्या देखा कि ये तो था छोटा, जबकि इसका प्रतिबिंब, मतलब बिंब था छोटा और प्रतिबिंब बन गया बड़ा। क्लियर। पांचवी पोजीशन, इस बार हम एफ पे ही रख दें, फोकस के ऊपर ही रख देते हैं, तब क्या होगा, तब देखते हैं। ये एफ था, यहीं पर हमने ए भी रख दिया। पहला केस, जो पैरेलल है लाइन वो एफ से गुजर गई, गुजर गई। और दूसरा केस, सी से जाने वाली सी से ही टकरा के वापस आ गई। तो हमने देखा ये तो कट ही नहीं रही, तो कहीं बहुत दूर जाके मिलती होगी, इसका मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा बहुत बड़ा बनेगा बेटा, है ना। यहाँ तो कट नहीं रही, लेकिन आगे कहीं जाके कट रही होंगी, क्योंकि पास पास लाइन आती हुई दिख रही है। ठीक है, लास्ट केस देखते हैं। इस बार हम फोकस से भी पास ले आते हैं बिंब को, और जैसे ही हम पास लेके आए, तब क्या देखा हमने, वो देखो जरा। अब की बार हम और पास ले आए, हमने यहाँ रखा, एफ यहाँ था और इसका पी यहाँ था, और इन दोनों के बीच में रख दिया। पहले तो केस यही था, सीधी जाने वाली टकराई और एफ से चली गई। दूसरा केस, सी से जाने वाली सी से ही वापस आ गई। ओह, ये क्या हुआ, ये दोनों तो डिस्टेंस इनका बढ़ गया, देखो पहले कम था फिर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब ये आगे जाके भी नहीं मिलेंगे, और दूर हो जाएंगे, तो हो जाएंगे नहीं तो और दूर, पहले जितना था उससे भी बढ़ता जा रहा है, तो ये तो और दूर हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी होगी, होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि टकराएगी नहीं। तो ये इमेज कहाँ बनेगी बेटा, इसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के अंदर। अभी तक सारे दर्पण दर्पण के आगे ही बन रहे थे, ये दर्पण के पीछे बनेगी। समझ आया सबको, एक ही केस ऐसा है। अब इसकी टेबल हमें याद करनी पड़ेगी बेटा, हमने कौन कौन सी स्थितियाँ देखी हैं, हमारे पास 6 स्थितियाँ अलग अलग। पहला, जब वस्तु अनंत पर है। दूसरा, जब सी से थोड़ा दूर है, सी से पर है। तीसरा केस, जब सी पर है। चौथा केस, सी और एफ के बीच में है। पांचवा, एफ पर ही है। और छठा केस है, पी और एफ के बीच में है। तो हम क्या पाएंगे बेटा, जैसे जैसे प्रतिबिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति, वस्तु की स्थिति चेंज होती है, वैसे वैसे प्रतिबिंब की स्थिति भी बदलती है। अगर अनंत पर है तो एफ पर बनेगा प्रतिबिंब, ठीक है। अगर अनंत पे है तो एफ पे बनेगा,
और इसका ही बिल्कुल उल्टा है, अगर एफ पे है तो अनंत पे बनेगा, ये तो याद हो गया। अच्छा अगर सी पे है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनना है, ये भी याद हो गया सबको। ओके अगर सी से दूर है तो वो सी और एफ के बीच में बनेगा, अगर सी और एफ के बीच में रखी है वस्तु तो वो सी पर बनेगी, सी के परे बनेगी। ठीक है सबसे अलग केस जो है जो दर्पण के अंदर बनना है वो है पी और एफ के बीच में रखा हुआ दर्पण के अंदर बनेगा। अच्छा अब साइज की बात करते हैं, तो देखो जब वो एफ पर बनती है तो बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बिंब को पास लाते जाते हैं वस्तु को थोड़ा सा बढ़ता जाता है, छोटा हुआ समान आकार का हुआ। अब सी और एफ के बीच में आने के बाद तो बड़ा हो गया, और एफ पर तो वो अत्यधिक बड़ा हो गया, और जब सी एफ और पी के बीच में है तो बड़ा हुआ, बहुत अधिक नहीं बस बड़ा हुआ। तो हर एक केस में वास्तविक बन रहा है बेटा, मतलब दर्पण के सामने ही बन रहा है लेकिन उल्टा बन रहा है। सिर्फ एक ही केस है जब वो एफ और पी के बीच में है तब आभासी और सीधा बनेगा प्रतिबिंब। कितना आसान था। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण मतलब आपने यहाँ अपने हाथ को जब मोड़ा कटोरी के शेप में तो हमने क्या देखा कि जो हथेली के पीछे वाला पोर्शन है जहाँ आपकी रिंग्स दिखाई दे रही हैं वो है अब उत्तल दर्पण। ठीक अब क्या होगा, उत्तल दर्पण में सब कुछ दर्पण के अंदर है, मतलब सी एफ सब कुछ अंदर है ना बेटा, देखो जरा कुछ भी उधर नहीं है जहाँ से रोशनी आ रही है, रोशनी यहाँ से आ रही है लेकिन इसके जो सी एफ है वो सब कुछ इधर है। ठीक इसीलिए इसकी अलग अलग स्थितियाँ नहीं है, इसके पास सिर्फ दो ही स्थिति है, एक जब वस्तु अनंत पर है, दूसरी जब वस्तु शीशे के पास है, चाहे वो कहीं भी हो दर्पण के पास है। तो पहली स्थिति देख लेते हैं, जब अनंत पर है वास्तविक तो इसमें बन ही नहीं सकता क्योंकि एफ इसका अंदर है, इसीलिए इसमें बनते हैं आभासी प्रतिबिंब, बनेगा एफ पर। दूसरी स्थिति जब थोड़ी दूर रखा हुआ है तब क्या हुआ, देखो जरा बना के देख लेते हैं एक बार, अच्छे से समझ आ जाएगा। जब वस्तु यहाँ रखी हुई है, अब वस्तु से गई एक रोशनी किरण जो कि जानी है हमें पता है सीधी, सीधी जाने वाली हमें एफ से गुजारनी है तो एफ से गुजार दी, अब ये आभासी होगी इसके अंदर है इसलिए डॉटेड लाइन से दिखाई, और दिखाई कहाँ दे रही होगी हमें, बाहर निकलती हुई ये दिख रही है। ठीक दूसरी हमें पता है सी से जाने वाली सी से ही वापस आ जाएगी, तब ये दोनों कहाँ कट रही हैं, यहाँ कट रही हैं, और यहीं पर बना दिया हमने एक, जहाँ कट रही है वहीं पर बना दिया हमने इसका प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो है वो उसे वस्तु से छोटा होगा, और अनंत पे है तो बिंदु साइज होगा जैसे कि एफ पे बन रहा है। तो वस्तु की स्थिति अनंत, दो स्थिति इसमें देखी, अनंत पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बहुत ही छोटा है, प्रकृति कैसी है आभासी है क्योंकि शीशे के अंदर दिखाई दे रहा है और सीधा है। दूसरा केस वस्तु की स्थिति कहाँ पर है, अनंत तथा दर्पण के बीच में, कहीं भी हो सकती है, 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 10 मीटर पे, यही वाला आपका जो दर्पण है बेटा ये गाड़ियों के रेयर व्यू मिरर में लगा होता है, मतलब गाड़ियों में साइड में जो मिरर लगे होते हैं ना बेटा वो यही लगा होता है। तो कहीं भी वस्तु हो, कोई गाड़ी कहीं कितनी भी पीछे हो आगे हो, वो हमें दर्पण में ही दिखाई देगी। ठीक है और कैसी होगी, छोटी दिखाई देगी, दर्पण के अंदर दिखाई देगी मतलब दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा, और प्रतिबिंब की प्रकृति भी आभासी व सीधी होगी। चलिए प्रश्न उत्तर करते हैं, वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है बताइए। वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बने
प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधे होते हैं तथा बहुत अधिक दूर तक उसके अंदर प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। ठीक है भाई, छोटे छोटे बनते हैं इसीलिए दूर तक देख सकते हो। आपने देखा होगा साइड में जब देखते हो वाहन में तो उत्तल दर्पण लगे होते हैं, इसीलिए हमें बहुत दूरी का हमें आराम से दिखाई दे जाता है। और गाड़ियों का साइज थोड़ा छोटा दिखता है इसलिए ज़्यादा गाड़ियाँ दिख जाती हैं। एक छात्र वस्तु के समान आकार तथा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा तथा इस व्यवस्था का रेखा चित्र बनाओ। अब उसे अपना एक छात्र है, उसे वस्तु का समान आकार चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब चाहिए, कौन सा दर्पण प्रयोग करेगा। अगर उसने सामान्य दर्पण प्रयोग किया बेटा, समतल दर्पण, तो उसके अंदर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा, वो तो दर्पण के अंदर दिखाई देगा, होगा उतने ही आकार का जितना वो है, लेकिन वो वास्तविक नहीं होगा। वास्तविक कहाँ पर मिलेगा उसे, अगर वो कौन सा अवतल दर्पण प्रयोग करे, यहाँ पर अवतल दर्पण प्रयोग करेगा तो उसको वास्तविक मिलेगा, लेकिन ये सीधा प्रतिबिंब नहीं मिलेगा, जबकि उसको उल्टा प्रतिबिंब मिलेगा, होगा समान आकार का ही। तो उसे कौन सा दर्पण प्रयोग करना होगा, उसे अवतल दर्पण प्रयोग करना होगा। और ये वाली आपको चित्र इसमें बना के दिखानी पड़ेगी बेटा, ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको इसमें बना के दिखाना होगा। आराम से कंपास लेना, आराम से प्रकार का प्रयोग करके ऐसे बना लेना गोला, चाप लगा के स्केल से बनाओगे बहुत सफाई से और बराबर बनेगा बेटा। चलिए अगला देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्रियाकलाप लिखो। अब हमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ही पता करनी है, तो उसके लिए क्या क्रियाकलाप करें, कैसे करेंगे बेटा, कि आपके प्रैक्टिकल भी है और उसके लिए हमने अलग अलग स्थिति में लगा के देखेंगे। हमें पता है सी से भी परे अगर हम दूर से कहीं से रखेंगे जो दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहाँ पर हमें छोटा सा प्रतिबिंब एफ बिंदु प्रतिबिंब दिखाई देगा फोकल लेंथ पर। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देती हूँ बेटा जो आपको करना है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए अवतल दर्पण की सहायता से बहुत दूर वस्तु का छोटा और स्पष्ट प्रतिबिंब दीवार या पर्दे पर प्राप्त करते हैं। पर्दे या दर्पण की दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, छोटा सा बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा, वहीं पर सफाई से दिखाई देगा। तो मैं जो कराती हूँ बेटा उसके अंदर मैं खिड़की के बाहर, हमें स्कूल की खिड़की के बाहर आराम से पेड़ दिखाई दे रहे होते हैं, वो पेड़ हम मान लेते हैं कि दूर से, काफ़ी दूर से आ रहा है। ठीक है, अब पेड़ की खिड़की के पास आप एक शीट रख लीजिए बेटा, ठीक है, और उस शीट पर आपको आराम से दिखाई देती है उल्टा प्रतिबिंब पेड़ का। ये आप करके देखना, बहुत अच्छा है ये टेस्ट, ये प्रैक्टिकल आपके टीचर आपको ज़रूर कराएंगे फोकल दूरी याद करने का, और आसान भी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर।